गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एनी डाउट्स इन द लास्ट लेक्चर? पेज 9, पेज 9 क्लॉज 6A कराया था मैंने आपको। ये चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबी सेज कि फॉलोइंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी: द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इन टू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट डिटरमिन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। सो अगर आप इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो इन्वेंट्री की जिस दिन कन्वर्जन किया उस दिन एफएमवी है, दैट इज ट्रीटेड एज पीजीपी। एफएमवी निकालेंगे इन द प्रिस्क्राइब मैनर। हम पढ़ेंगे एफएमवी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एफएमवी ऑफ प्रॉपर्टी होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो वैल्यू रजिस्ट्रार फिक्स करता है फॉर लेविंग द स्टैम्प ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी। मैंने करा था आपके साथ ये। पेज 44 पर आपने एक्सप्लेनेशन 1A की थी ना, पेज 44 एक्सप्लेनेशन 1A, जहां कैपिटल एसेट रेफर्ड इन क्लॉज 6A ऑफ 28, यानी आपके पास इन्वेंट्री है, जैसे डीएलएफ है, डीएलएफ के पास जो फ्लैट है इन्वेंट्री है। अब डीएलएफ उस फ्लैट को एज फैक्ट्री बिल्डिंग या ऑफिस यूज करना शुरू कर देता है, यानी इन्वेंट्री को कर दिया उसने कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन, सॉरी स्टॉक इन रेट को कन्वर्ट कर दिया इनटू कैपिटल एसेट। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने पीजीबी निकालते वक्त ली थी। तो देखिए, हमने एग्जांपल किया था कि असेसी के पास एक बिल्डिंग है जो स्टॉक इन रेट के अंदर होल्ड कर रहा है और बिल्डिंग परचेज की थी 1498 को 10 लाख की। ये जो कंसेप्ट है एफएमवी ऑन 1401 ही तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ आपको, और इसे आप लेके आए बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया 30/11/21 को और उस दिन एफएमवी 13 लाख रुपए है। तो क्या होगा, असेसी को 13 लाख क्रेडिट करना चाहिए इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री आ रही है 9 लाख, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लॉस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 4 लाख का प्रॉफिट अकाउंट फॉर हो गया। ओके, सो लास्ट टाइम हम क्लियर है एक्चुअल कॉस्ट पढ़ रहे थे इन वेरियस सिचुएशंस। हमने एक्सप्लेनेशन 2, 3, 4, 4A की थी। फोर ए हम कर चुके थे, राइट। एक्सप्लेनेशन 5, पेज 50 पर आइए, ठीक है। एक्सप्रेशन 5 पढ़ने से पहले इलस्ट्रेशन 1 देखिए। असेसी ने कार परचेज की थी, पेज 50 इलस्ट्रेशन 1, असेसी ने कार परचेज की थी 1116 को 2 लाख रुपीस की, अपने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। अब वो इस कार को बिजनेस में ले आता है 1122 को, व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू 50,000। देखिए, मैंने गाड़ी खरीदी 1116 को, उस समय मैं गवर्नमेंट में जॉब करता था, मेरी कॉस्ट थी 2 लाख। मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गया और अब मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, उस बिजनेस में इस गाड़ी को यूज करना शुरू कर देता हूं, उस दिन एफएमवी 50,000। अब इश्यू उठता है मैं डेप्रिसिएशन किस पे क्लेम करूंगा,
लॉ कहता है एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द एसेसी विच इज रुपीज 2 लाख हेयर, एक्सप्लेनेशन 3 नहीं लगेगा. एक्सप्लेनेशन 3 तब लगता है जब आप सेकेंड हैंड एसेट किसी और से एक्वायर करते हैं. ये तो आपकी खुद की गाड़ी है तो यहां पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगी. सीधा क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार विल बी टेकन एज 2 लाख. यहां 50% रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी क्योंकि गाड़ी आपने साल में एक्वायर नहीं की है और असेसी सेम है. एक्सप्लेनेशन 5 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं लगेगी यहां पर. एक्सप्लेनेशन 5 लगती है सिर्फ बिल्डिंग में. एक्सप्लेनेशन 5 लगती है सिर्फ बिल्डिंग में. एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास एक बिल्डिंग है, उसे आप एज इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं या पर्सनल पर्पस के लिए रख रहे हैं और कुछ साल बाद उसे बिजनेस में लेके आते हैं. ये केस कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट नहीं है. पहले भी कैपिटल एसेट थी, अभी भी कैपिटल एसेट है. पहले क्या था, बिल्डिंग जो थी मैं बिजनेस में यूज नहीं कर रहा था. पेज 50 एक्सप्लेनेशन 5 कर रहे हैं. तो मेरे पास एक बिल्डिंग है जो मैंने अपने रहने के लिए परचेज की थी या फिर कंपनी है, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी थी एज इन्वेस्टमेंट और लेट से 6-7 ईयर्स बाद मैं इस पर्सनल घर को ऑफिस में कन्वर्ट कर देता हूं, ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट कर देता हूं, या कंपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी प्रॉपर्टी में, इमोट प्रॉपर्टी में, उसे अब ऑफिस की तरह यूज करना शुरू कर देती है. जिस साल से यूज करना शुरू किया उस साल डेप्रिसिएशन मिलेगी. ये केस कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा. पहले भी कैपिटल एसेट थी बिल्डिंग, अभी भी कैपिटल एसेट है. तो जो हमने क्लास के शुरू में पढ़ा था वो था कि स्टॉक एंड ट्रेड को आपने कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में. यहां कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट की तरह रख रहा हूं मैं. पहले मैं बिजनेस में यूज नहीं करता, अब मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं. तो एक्सप्लेनेशन 5 कहती है क्या करिए आप, क्या करिए आप, जब से आपने बिल्डिंग खरीदी थी एज्यूम करिए कि डेप्रिसिएशन अलाउबल थी, डेप्रिसिएशन अलाउबल थी और डेप्रिसिएशन कम करते जाइए और जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वैल्यू निकलती है दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. वेयर अ बिल्डिंग, सो दिस एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्डिंग, फॉर नो अदर एसेट. वेयर अ बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी is brought into use for the purpose of business profession of the assessee. यहां expression 3 नहीं लगेगा. Expression 3 तो तब लगता है जब आप second hand asset किसी से purchase कर रहे हैं. Where a building previously the property of the assessee, आपकी property है, पहले business में use नहीं कर रहे थे, is now brought into use for the purpose of business or profession of the assessee, the actual cost of the asset to the assessee shall be the actual cost of the building to the assessee as reduced by an amount equal to depreciation calculated at the rate in force on that date that would have been allowable had the building been used for the purpose of business profession since the date of its acquisition. On that date means jis din aap business mein leke aaye, date on which brought into business. तो जो डेप्रिसिएशन डेट उस दिन का है जिस दिन आपने बिजनेस में लिखा है उस रेट पर आप शुरू से डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, WDV निकालिए, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट. तो की पॉइंट 1 में लिखा है एक्सप्रेशन 5 जो है इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर बिल्डिंग एंड नो अदर एसेट. मैंने एग्जाम्पल 1 कराया था अभी आपको, जहां मेरी पुरानी गाड़ी है अब मैं बिजनेस में यूज करना शुरू कर देता हूं, वहां पर एक्सप्रेशन 5 इज नॉट एप्लीकेबल. एक हम कैपिटल गेन्स में सेक्शन करते हैं कि जहां आप कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला केस ही नहीं है. सो 45(2) इज नॉट अट्रैक्टेड सिंस बिल्डिंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड. ना ही एक्सप्लेनेशन 1 वाला केस है कि स्टॉक एंड ट्रेड को आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया. सो ना तो यहां एक्सप्लेनेशन 1 लग रही, ना ही मेरा 45(2) लग रहा कैप गेन का, ना ही एक्सप्लेनेशन 3 लग रही.
तो देखिएगा, एक्स परचेज अ बिल्डिंग ऑन 1118 फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस फॉर 10 लाख. बिल्डिंग इज कन्वर्टेड इनटू फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1122 व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू इज 8 लाख. इररिलेवेंट. एज्यूम डेप्रिसिएशन रेट ऑन द बिल्डिंग वॉज 7.5% अप टू असेसमेंट इन 1920 और आज डेप्रिसिएशन रेट 10% है. तो अब आप क्या लेंगे, रेट इन फोर्स ऑन दैट डेट, यानी 10% लेंगे. तो शुरू से डेप्रिसिएशन माइनस करने शुरू करिए, 18, 19, 20, 21, 22. सो दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23. इस डेप्रिसिएशन का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. ये जो 50,000, 95,000, 85,000, 76,000, 950, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. ये तो हम सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं. यहां रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% नहीं लगेगी, क्योंकि आपने एसेट साल के साल में एक्वायर नहीं किया है, ये तो शुरू से एक्वायर्ड है. सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% नॉट टू अप्लाई. क्लियर है? फॉरनर्स क्या करते थे, फॉरनर्स क्या करते थे, फॉरेन कंपनी ने इंडिया में ब्रांच खोल दी. फॉरेन कंपनी यूएसए की है, उसने इंडिया में ब्रांच खोल दी. तो देखिए, ब्रांच कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ये तो फॉरेन कंपनी का पार्ट ही है. जैसे आज मेरी ब्रांच है बॉम्बे में, ब्रांच तो मेरा ही पार्ट है. तो फॉरेन कंपनी ने क्या किया, इंडिया में एक ब्रांच खोली. ये ब्रांच इंडिया में बिजनेस करती है. फॉरेन कंपनी ने यूएस में कुछ कंप्यूटर्स परचेज किए थे, लेट्स से 1117 को 50 लाख रुपए के. उस पर डेप्रिसिएशन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम नहीं कर रही थी, है वो तो यूएस में क्लेम हो रही थी. अब क्या करते हैं, ये 1122 को ये कंप्यूटर्स यहां ले आते हैं इंडिया में, 50 लाख पर ही ले आते हैं. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन 3 नहीं लगेगी, बिकॉज असेसी तो सेम है. ये ब्रांच इज नथिंग बट माई पार्ट ओनली. एक्सप्लेनेशन 3 नहीं लगती, एक्सप्लेनेशन 5 नहीं लगेगी, बिकॉज एक्सप्लेनेशन 5 इज ओनली फॉर बिल्डिंग. यहां कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही. एंड मैं अगर 43(1) एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन देखूं, एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेसी विच इज 50 लाख, जबकि ये कंप्यूटर्स बिल्कुल आउटडेटेड है. And therefore, lawmakers brought in explanation 11, कि non-resident foreign company अगर बाहर कोई asset use कर रहे थे, उसे इंडिया में लेके आते हैं, तो हम notional depreciation less करेंगे starting from the year जब आपने asset इंडिया से बाहर purchase किया था. देखिएगा पेज 55. एक्सप्लेनेशन 11, वेयर एन एसेट विच वॉज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन असेसी, कौन असेसी, बींग अ नॉन रेजिडेंट. सो नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी ऑल्सो, मैंने नोट 2 में लिखा हुआ, नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी. सो एसेट वॉज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन असेसी बींग अ नॉन रेजिडेंट इज ब्रॉड बाय हिम इन टू इंडिया. So foreign company अपनी ब्रांच में एसेट ले आई एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ his बिजनेस प्रोफेशन, और इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया. द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेसी एज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स
that would have been allowable had the asset been used in India for the said purposes since the date of its acquisition by the SEC. तो आप नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन 5 में तो हम रेट यूज कर रहे थे, जिस दिन आप बिजनेस में लेके आए उस दिन का रेट यूज कर रहे थे, यहां पर रिस्पेक्टिव ईयर्स के रेट यूज करेंगे. सो एक्सप्लेनेशन 11 इज एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट फॉरनर दैट द एसेट वॉज यूज आउटसाइड इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर हिज पर्सनल पर्पजेस और बिजनेस पर्पजेस. फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन रेजिडेंट ने कंप्यूटर परचेज के यूएस में 1117 को 10 लाख रुपए के, इट वॉज यूज आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस. 1122 को ही स्टार्ट्स बिजनेस इन इंडिया और कंप्यूटर इंडिया में लेके आते हैं जब FMVA 2 लाख. एक्सपेंशन 3 नहीं लगेगी, एक्सपेंशन 3 तब लगती है जब आप सेकेंड हैंड एसेट परचेज कर रहे हैं, तो 80 सेम है. अब आप क्या करेंगे, पहले असेसमेंट या 1718 तक डेप्रिसिएशन रेट ऑन कंप्यूटर वॉज 60%, याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन. सो अप टू असेसमेंट या 1718 द डेप्रिसिएशन रेट ऑन कंप्यूटर वॉज 60%. उस साल 180 डेज से कम यूज हुआ, 30% कर दिया हमने, और 2122 की नोशनल डेप्रिसिएशन लेस की, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट. इस डेप्रिसिएशन जो नोशनल है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये तो सिर्फ हम एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, ओके, वापस आइए पेज 50 पर. मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको सेक्शन 47 ऑफ कैप गेन्स, कि अगर होल्डिंग कंपनी सबसी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं अगर होल्डिंग सबसी को कैपलेस से ट्रांसफर करती है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं, प्रोवाइडेड ये इंडियन कंपनी है और ये इसके 100% शेयर्स ओन करती है. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 6 जो है 243(1) वो बात करती है कि होल्डिंग के पास एक एसेट है जिस पर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की क्योंकि एज इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रही थी, बिल्डिंग थी एज इन्वेस्टमेंट. सो होल्डिंग के पास एक कैपिटल एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन होल्डिंग क्लेम नहीं कर रहा था. ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्लेम नहीं कर रही थी बिकॉज बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही थी. ये एक्वायर की गई थी 10 लाख रुपए की और बेची गई 100 लाख रुपए की, तो 90 लाख के कैप गेन सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है. और मैंने बताया था कि कैप गेन के चैप्टर में लॉ कहता है कि सब्सिडी के हाथ में कॉस्ट होगी 10 लाख. आप सब्सिडी इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहती है तो बताइए किस अमाउंट पर क्या एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी इन द हैंड्स ऑफ सब्सिडी, 10 लाख. ये बात कहती है एक्सप्लेनेशन 6 243(1) कि अगर होल्डिंग सब्सिडी को कैपिटल से ट्रांसफर करती है, होल्डिंग उस एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रही थी क्योंकि बिजनेस में यूज नहीं हो रहा था, बट सब्सिडी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी बिकॉज वो बिजनेस में यूज करेगी, जैसे बिल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट थी, यहां फैक्ट्री बिल्डिंग यूज की जाएगी. एक्सप्रेशन 5 नहीं लगेगी, एक्सप्रेशन 5 तब लगती है जब मेरी बिल्डिंग में पहले इन्वेस्टमेंट रखा था और खुद ही उसे बिजनेस में लेके आ रहा हूं. असेसी चेंज नहीं हो रहा, यहां असेसी चेंज हो रहा है. एक्सप्लेनेशन 3 भी नहीं लगेगी बिकॉज ये लॉ स्पेसिफिक है होल्डिंग सब्सिडी के लिए. जहां स्पेसिफिक लॉ होता है, स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवरूल्स द जनरल लॉ, तो होल्डिंग सब्सिडी के केस में ऑलवेज एक्सप्लेनेशन 6 लगेगी. सो एक्सप्रेशन 6 कहती है कि अगर होल्डिंग सब्सिडी को कैपिटल से ट्रांसफर करती है, 10 लाख का खरीदा था 100 लाख का ट्रांसफर करती है, इसके हाथ में नॉन डेप्रिशिएबल है, इसके हाथ में डेप्रिशिएबल है, तो 90 लाख के कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हैं और इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट होगी ₹10 लाख.
explanation 2 to 43.6. 43.6 is WDV of asset. वो कहती है कि अगर होल्डिंग के हाथ में 10 लाख का एसेट है, उसने डेप्रिशन क्लेम की, मान लीजिए 1,90,000, WDV आ गई 8.1, और इसको सब्सिडी को बेचा लेट से 100 लाख रुपीस का, ठीक है, तो सेक्शन 50 लगा देंगे आप, सेल प्राइस माइनस ओपनिंग WDV 91.9 के कैप गेन्स अराइज होंगे सेक्शन 50 में, बट फॉर 47 में एग्जेम्प्ट हो गए। तो एक्सप्रेशन 2 कहती है इस केस में सब्सिडी के हाथ में कॉस्ट क्या होगी, 8.10 लाख, एक्सप्लेनेशन 2 टू 43.6 एक और सिचुएशन से डील करती है कि होल्डिंग सबसे को ब्लॉक है ABCD, उसमें से एक एसेट ए ट्रांसफर करती है सबसे को। सबसे कौन है, 100% सबसे कंपनी एंड इंडियन कंपनी। उस केस में लॉ कहेगा क्या करिए, इस एसेट की WDV निकाल लीजिए ये मानते हुए ये एक लौता एसेट है, एंड दैट WDV विद द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ S। स्टार्ट करते हैं मिनट, पेज 50, एक्सप्लेनेशन 6, वेयर अ कैपिटल एसेट is transferred by the holding company to its subsidiary company। तो यहां पर यह मानिए कि होल्डिंग कंपनी के हाथ में एसेट इज नॉन डेप्रिशिएबल एंड सब्सिडी के हाथ में इट्स डेप्रिशिएबल। मैंने आगे क्लैरिफाई किया हुआ है, वेयर अ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडी कंपनी, देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट टू द सब्सिडी कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम as it would have been if the transfer company had continued to hold the capital asset for the purpose of business provided the following conditions satisfied। The law keh raha hai agar 10 lakh asset tha, purchase kiya tha aur depreciation claim nahi kar rahe the because business mein use nahi ho raha tha, aur ise ab aap transfer karte hain 100 lakh ka, to actual cost iske haath mein wahi hogi jo holding ke haath mein hoti, yani 10 lakh। Provided the following conditions satisfied, क्या conditions हैं कि this is an Indian company and this company holds 100% shares of this company और ये कैबिनेट 90 लाख का exempt है section 47 में। The whole of the share capital of the subsidiary company is held by the holding company, यानी 100% capital subsidiary को holding own कर रही है and सबसी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। हाउएवर एक्सप्लेनेशन 2 टू 43.6 जो मैं बता रहा था, नहीं वाला ये कब लगती है, जब होल्डिंग के हाथ में एसेट डेप्रिशिएबल है। तो क्या करेंगे हम, इसकी WDV निकालेंगे, जो WDV है इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। However, explanation 2 to 43.6 provides that notwithstanding anything contained in section 43.1, ऊपर जो लिखा हम उसे overrule कर देते हैं, where any block of asset is transferred, पूरा block transfer कर दिया holding ने सबसी को, और conditions 47 की satisfied है, क्या सबसी से Indian company and holding company holds 100% shares of सबसी company, then the actual cost of the block of assets in case of transferring company shall be the WDV of the block of assets in the hands of holding company on the date on which such transfer took place। ये एग्जाम्पल, तो होल्डिंग ने सबसे को पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया, तो जो WDV थी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर दैट इज एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ S।
फिर मैंने की नोट में लिखा कि सपोज होल्डिंग ब्लॉक में से सिर्फ एक एसेट ट्रांसफर कर रही है सब सी को, तो क्या करेंगे हम, उस सिंगल एसेट को एज्यूम करेंगे इज अ ओनली एसेट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसकी डब्ल्यूडी निकाल लेंगे एंड दैट डब्ल्यूडी इज द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सब सी कंपनी, की पॉइंट में लिखा हुआ है। एसेट ट्रांसफर फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ एसेट कंप्राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ एसेट्स बाय होल्डिंग टू सब सी कंपनी, कंडीशन ऑफ 47 सेटिस्फाइड, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू द सब सी विल बी द WDV ऑफ सच एसेट इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर एंड सच WDV शैल बी कंप्यूटेड बाय अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। मैंने एनालिसिस में लिखा एक्सप्रेशन 6 कब लगती है, वेयर द कैपिटल एसेट इज नॉन डेप्रिशिएबल इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इज डेप्रिशिएबल इन हैंड्स ऑफ सबसी कंपनी, तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी होल्डिंग की वो बन जाएगी कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सबसी। एक्सप्रेशन 2 कब लगती है 43(6) की, जब कैपिटल एसेट वॉज अ डेप्रिशिएबल एसेट इन द हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी वॉज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स एंड नाउ द एसेट इज ट्रांसफर टू सबसी कंपनी। तो अगर पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है तो जो ब्लॉक की WDV थी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इन हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी दैट विल बिकम द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ सबसी कंपनी, और अगर ब्लॉक में से एक एसेट ट्रांसफर हो रहा है देन उस एसेट को इकलौता एसेट मान करके WDV निकालिए, WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इज द एक्चुअल कॉस्ट इन हैंड्स ऑफ सबसी कंपनी। अब आप देखेंगे फिर से एक्सप्रेशन 6 लिखा गया, कोई टाइपिंग एरर नहीं है। क्या है, लॉ कहता है अगर होल्डिंग सबसी को ऐसे ट्रांसफर करती है या फिर सबसी होल्डिंग को ऐसे ट्रांसफर करती है, दोनों केस में कैबिनेट एग्जेम्प्ट होते प्रोवाइडेड ये इंडियन कंपनी है एंड 100% शेयर्स ऑफ सबसी आर हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। तो मैंने क्या किया, अगर आप बेरेक पढ़ेंगे वहां लिखा है होल्डिंग टू सबसी एंड सबसी टू होल्डिंग, वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने ये जो एक्सप्रेशन 6 रिपीट की है पेज 51 में, मैंने सिर्फ यहां पर सबसी टू होल्डिंग कर दिया है। सो 0.7 में था होल्डिंग टू सबसी, 0.8 में हो गया सबसी टू होल्डिंग, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपीड है। इलस्ट्रेशन देखिए, WDV और ब्लॉक ऑफ एसेट्स 15%, पेज 52, WDV और ब्लॉक ऑफ एसेट्स 15% ऑन 1421 इन हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इज 2 लाख, द ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड बाय एच टू 100% सबसी कंपनी एस लिमिटेड ऑन 30th जनवरी 2024 रुपीज 10 लाख, सेक्शन 50 लग जाएगा, 8 लाख के कैप गेंस आ गए। एस अगर फॉरेन कंपनी है, 47 एग्जेम्पशन कब मिलती है, जब एस इंडियन कंपनी है। एक्सप्रेशन 6 वगैरह कब लगती है, जब एस इंडियन कंपनी है। यहां तो क्या होगा, अगर एस फॉरेन कंपनी है तो 8 लाख कैप गेंस होल्डिंग कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और सबसी की कॉस्ट क्या होगी, 10 लाख रुपीज। और अगर एस इंडियन कंपनी है तो क्या होगा, 8 लाख कैप गेंस इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी और सबसी के हाथ में कॉस्ट क्या हो जाएगी, रुपीज 2 लाख एज पर एक्सप्लेनेशन 2 to 43(6). सो इफ एस इज एन फॉरेन कंपनी, एग्जेम्प्शन अंडर 47 इज नॉट अवेलेबल, therefore short term capital of 8 lakh shall be taxable in hands of S limited in assessment year 22-23, the WDV block office of H limited for assessment 22-23 will become nil in hands of S, actual cost of the assets acquired will be taken as 10 lakh
एक्सप्लेनेशन 2 to 43(6) नहीं लगेगी बिकॉज कंडीशन ऑफ 47 आर नॉट सेटिस्फाइड. अगर एस इंडियन कंपनी है, एग्जेम्पशन अंडर 47 शैल बी अवेलेबल, देयरफॉर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 50 आर एग्जेम्प्ट. ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ एस लिमिटेड निल हो जाएगा. एज पर एक्सप्लेनेशन 2 to 43(6), द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स acquired during the previous year in hands of S Limited will be taken as 2 lakh, being the WDV of the assets in hands of H Limited at the time when it transferred the asset. Clear hai? Example 2 dekhiyega. Holding company H Limited holds 100% shares of subsidiary company S Limited, Indian company है, 47 satisfied है. WDV or block of assets 15% of S Limited as on 1/4/21 is 10 lakh. H sells the asset X out of this block to S Limited on 30/June/21 for 3 lakh. Asset X was acquired by H Limited on 30/June/19 for 1 lakh. अब क्या हो रहा है, ब्लॉक में से होल्डिंग एक एसेट बेच रही है, तो हम क्या करेंगे, इस एसेट को इकलौता एसेट मान लेंगे. असेसमेंट है 2021-22 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट इन हैंड्स ऑफ सब्सिडी कम. इनका क्वेश्चन है कि एच के ब्लॉक से माइनस क्या करेंगे, माइनस 3 लाख करेंगे. बिकॉज आपने खुद ही सेल प्राइस दिखाई है 3 लाख, तो एच के ब्लॉक में से हम 3 लाख माइनस करेंगे और एस के ब्लॉक में हम ऐड करेंगे 72,250. ये तो जिसको लॉ नहीं मालूम वो ऐसा करेगा. इस केस में एच को क्या करना चाहिए था, एसेट ट्रांसफर करना चाहिए था 72,250 पर. एक स्टार लगाइए यहां पर, नीचे नोट दीजिए. फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ रूपी ऑफ H Limited rupees 3 lakh shall be deducted, being the money is payable. H Limited should have transferred the asset to S Limited for rupees 72,250 instead of rupees 3 lakh. क्वेश्चन 3 देखिएगा, पेज 52. होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एस लिमिटेड. द डब्ल्यूडी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड इज ऑन 1/4/21 इज 3 lakh. H Limited purchases an asset P on 30 June 21 in this block for 5 lakh.
H Limited transfers the entire block of assets to S Limited on 31/7 for rupees 10 lakh. So इसको ओपनिंग ब्लॉक था 3 लाख, इस ब्लॉक में 5 लाख एसेट खरीदे गए और साल के दौरान ही सारे एसेट्स 10 लाख के बिक गए. सेक्शन 47 में कैपगेंस, मतलब 50 में कैपगेंस आ गए 3 + 5 = 8 - 10 2 लाख कैपगेंस एग्जेम्प्ट हो गया सेक्शन 50 वाला 47 में. उसके एच एस के हाथ में कॉस्ट क्या होगी 3 लाख + 5 = 8 लाख. In the hands of H Limited, exemption under 47 is available and therefore short-term cap gains under section 50 are exempt. The WDV of block of assets in hands of H Limited is nil. In hands of S Limited, actual cost of the assets acquired during the previous year is 8 lakh, that is 3 lakh + 5 lakh WDV at the time of transfer. आपको पास्ट ईयर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि असेसी कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को 10 लाख की कॉस्ट थी लैंड की, ट्रांसफर किया 100 लाख का लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती आपको, और कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90 लाख प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड क्रेडिट किया हुआ है और ये इंडियन कंपनी है. तो क्या करेंगे आप जब रिटर्न ऑफ इनकम बनाएंगे, कहेंगे कि सिंस इंडियन कंपनी को लैंड ट्रांसफर हुआ है, सब्सिडी है 100%, तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट है, इसलिए 90 लाख माइनस करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम. ऐसे ही एक एग्जामिनर ने लिखा कि लैंड ट्रांसफर हुआ है टू 100% सब्सिडी कंपनी विच इज अ फॉरेन कंपनी. अगर फॉरेन कंपनी है तो 47 एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी. मैंने बताया था 47 में अमलगमेटिंग कंपनी, अगर अमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है 10 लाख के 100 लाख में ट्रांसफर करती है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड दिस इज एन इंडियन कंपनी. और इसके बाद में कॉस्ट क्या हो जाती है 10 लाख. अब एक्चुअल कॉस्ट का लॉ बिल्कुल सेम बना हुआ है एक्सप्रेशन 6 के हिसाब से कि इसके हाथ में नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है 10 लाख का, इसने इसे बेचा 100 लाख का, इसके हाथ में डेप्रिशिएबल है. तो एक्सप्लेनेशन 7 to 43(1) की इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट, एंड एक्सप्लेनेशन 2 to 43(6) सेम तरह से बने हुई है कि अगर इसके पास ब्लॉक ऑफ एसेट है यहां ट्रांसफर कर देते हैं तो जो WDV थी ब्लॉक की दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. देखिएगा पेज 53, वेयर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द अमलगमेटिंग टू द अमलगमेटेड कंपनी एंड द लेटर, लेटर मीन्स अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगी अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में, द सेम एज इट वुड हैव बीन इफ अमलगमेटिंग कंपनी हैड कंटिन्यू टू होल्ड द कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. सेम जो हमने होल्डिंग सबसे में किया था बिल्कुल सेम यहां पर होगा. हाउएवर अगर अमलगमेटिंग अपना ब्लॉक ट्रांसफर कर रही है, देखिए अमलगमेटिंग ब्लॉक में से एक एसेट ट्रांसफर नहीं करेगी बिकॉज अमलगमेशन तब होती है जब 100% एसेट ट्रांसफर होते हैं अमलगमेटेड कंपनी को.
However, expression 2 to 43(6) provides that notwithstanding anything contained in section 43(1), where any block of assets is transferred by amalgamating company to amalgamated company and later is an Indian company, actual cost of the block of assets in the hands of amalgamated company will be the WTP of block of assets in the hands of amalgamating company at the time of transfer. यहां ब्लॉक में से एक एसेट ट्रांसफर होने की बात हो गई नहीं, बिकॉज अमलगमेशन तब होता है जब 100% एसेट्स अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है. तो जो हमने ऊपर एग्जांपल किए थे, सेम एग्जांपल यहां भी लग जाए. एक्सप्रेशन 9, बेसिकली आपने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, उस पर 18% जीएसटी है 1,80,000, यानी टोटल आपने 11,80,000 पे किया. अब आप इस मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट क्या 1,180 लेंगे? नो, क्योंकि इस 1,80 का तो आप क्या कर जाते हैं, इनपुट क्रेडिट ले जाते हैं आईटीसी, एंड देयरफॉर एक्सप्रेशन 9 पुरानी बनी हुई है, हम अमेंड कर लेंगे एज पर जीएसटी लॉ. बट एक्सप्रेशन 9 यही कह रही है कि जो ये जीएसटी आपने पे किया, जैसा इनपुट क्रेडिट ले लिया आपने, उसको हम एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे. एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख ले जाएगी, बिकॉज अगर मैं 1,180 ले ली फिर तो डबल बेनिफिट ले गया, जीएसटी का इनपुट क्रेडिट भी ले गया 1,80 का, और 1,80 में डेप्रिसिएशन भी क्लेम करने शुरू कर दिया आपने. वेयर एन एसेट इज और हैज बीन एक्वायर्ड बाय एन असेसी, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज और एडिशनल ड्यूटी लेवीबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ क्लेम ऑफ क्रेडिट इज बीन मेड एंड अलाउड अंडर द सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944, नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय जीएसटी. एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड बाय द असेस इज रिगार्डेड एज सेंडवेट क्रेडिट, कॉन्सिक्वेंटली द एक्साइज ड्यूटी पेबल बाय द असेसी कुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंडवेट credit. The assessee at the same time used to include the said excise duty and additional custom duty in respect of the asset as part of the actual cost of the asset and claim depreciation thereon. This resulted in a double benefit to the assessee, since he was not paying excise duty to the extent of sandwich credit, and such sandwich credit also formed part of the actual cost on which depreciation was allowed. Expression 9 कहती हम sandwich credit, जो excise duty आपने एसेंडवेल क्रेडिट ले ली है, उसे एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. इफ द असेसी टेक्स इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग प्लांट मशीनरी, देन द जीएसटी पेड फॉर विच इनपुट क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. फॉर एग्जाम्पल, एसेट परचेज की आपने 10 लाख रुपीज का, जीएसटी है 2,80,000, टोटल अमाउंट पेड इज 12,80,000. अब इस 280 का आप आईटीसी ले जाते हैं इनपुट क्रेडिट. इफ असेसी वांट्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 1280 देन ही शैल नॉट बी अलाउड द इनपुट क्रेडिट ऑफ 280. और अगर आप इनपुट क्रेडिट का अवेल कर लेते हैं 280 का, आपकी एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी रुपीज 10 लाख. एक्सप्रेशन 10, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है आप अगर जनरेटर खरीदेंगे फॉर एग्जांपल 10 लाख का, तो 40% कॉस्ट हरियाणा गवर्नमेंट बियर करेगी. तो जो हमने एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्चुअल कॉस्ट मींस
actual cost of the asset of the associee as reduced by the amount of cost borne by any other person authority, उसमें आ जाता है ये 4 लाख कम कर देंगे, ठीक है। सो एक्सप्रेशन 10 के पहले पैरा में यही कहा गया है कि अगर आपकी कॉस्ट जो है बाय वे ऑफ सब्सिडी रीइंबर्समेंट किसी भी तरह से कोई और मीट कर रहा है तो उसे हम एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। वेयर पेज 54 वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड बाय द असेसी हैज बीन मेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ और बाय एनी द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड then so much of the cost as is relatable to such subsidy grant or reimbursement shall not be included in actual cost of the asset to the assessee. तो अगर सरकार आपकी कॉस्ट मीट कर रही है बाय वे ऑफ सब्सिडी, जैसे 10 लाख का जनरेटर है 4 लाख सरकार मीट कर रही है, तो 4 लाख एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट लेंगे आप 6 लाख। कई बार सरकार यह भी करती है कि लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, इसमें आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया 100 लाख 200 लाख 300 लाख 50 लाख, सरकार कहते जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया लैंड बिल्डिंग में प्लांट मशीनरी में फर्नीचर फिटिंग्स में, हम 20% आपको सब्सिडी देंगे। अब देखिए सब्सिडी एक किसी सिंगल एसेट के लिए नहीं है, सब्सिडी क्या है विद रेफरेंस टू एसेट्स आ रही है। तो लिटिगेशन आई कि क्या इस केस में एक्चुअल कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो एक्सप्लेनेशन 10 प्रोवाइड करती है कि अगर सब्सिडी कंप्यूट की जाती है विद रेफरेंस टू द एसेट्स, पहला पार्ट क्या है कि सब्सिडी एसेट के लिए दी जा रही है, दूसरा है कि सब्सिडी कंप्यूट हो रही है विद रेफरेंस टू द एसेट, यानी सरकार कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए, बट सब्सिडी हम कंप्यूट करेंगे विद रेफरेंस टू एसेट्स, यानी सरकार यह नहीं करी हम सब्सिडी एसेट एक्वायर करने के लिए दे रहे हैं। एक्सप्रेशन 10 का पहला पार्ट है कि जहां सब्सिडी आपको मिल रही है फॉर एक्वायरिंग द एसेट, दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे हम कि जहां सरकार कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं बिकॉज आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यानी सरकार यह नहीं कह रही कि हम प्लांट मशीनरी वगैरह के लिए दे रहे हैं, बट सब्सिडी जो है कंप्यूट की जाती है विद रेफरेंस टू द एसेट्स, यानी इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% मिलेगा। तो प्रोविजो कहती है पार्ट मतलब जो प्रोविजो कहती है कि इस केस में भी जहां सब्सिडी कंप्यूट हो रही है विद रेफरेंस टू द एसेट्स, वहां भी एक्चुअल कॉस्ट को आप रिड्यूस करेंगे, यानी सब्सिडी मिली होगी मुझे यहां पर 650 का 20% 130 करोड़, तो इसमें से अब आप 20 यहां से माइनस करेंगे, 40 यहां से माइनस करेंगे, 60 यहां से माइनस करेंगे, 10 यहां से माइनस करेंगे। तो सब्सिडी अगर एसेट खरीदने के लिए दी जा रही है तो कॉस्ट से कम करेंगे, नंबर टू सब्सिडी एसेट खरीदने के लिए नहीं दी जा रही, बैकवर्ड एरिया में जाने के लिए जा रही है, बट सब्सिडी जो कंप्यूट हो रही है विद रेफरेंस टू एसेट हो रही है तब भी हम एक्चुअल कॉस्ट से कम करेंगे। प्रोवाइडेड एट वेयर सच सब्सिडी ग्रांट रिइंबर्समेंट इज ऑफ सच अ नेचर that it cannot be directly relatable to the asset acquired, यानी asset से relate नहीं करी, but
so much of the amount which bears to the total subsidy reimbursement or grant, the same proportion as such assets bears to what? All assets in respect of which or with a reference to which subsidy is given shall not be included in actual cost of the asset of the associate. Language proper nahi hai. Language proper nahi hai. But pehla part hai, subsidy asset khareedne ke liye de rahe hain, to less karenge. Dusra part hai, ki subsidy asset khareedne ke liye nahi de rahe, but de rahe hain backward area mein industry lagane ke liye. Aur subsidy compute ki ja rahi hai with respect of, in respect of, or with reference to the assets. तो हम कॉस्ट से कम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस देखिएगा, सेक्शन 43(1) प्रोवाइडेड डेट एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द असेसी एज रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच हैज बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन अथॉरिटी. देयरफॉर प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्रेशन 10 द लॉ वॉज फेयरली क्लियर दैट इफ कॉस्ट ऑफ द एसेट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी then the actual cost shall be reduced by the amount of subsidy provided the subsidy was for given for acquiring the asset. Proviso to explanation 10 provides that where the subsidy grant is of such a nature that it cannot be directly relatable to an asset, then also the actual cost of the asset in respect of which asset in respect of which or with a reference to which subsidy is received shall be reduced by the amount of such subsidy. Therefore, if 20% subsidy is received on the cost of the assets for setting up the industry in the backward area and the cost of the asset in respect of a subsidy is granted is plant 1, plant 2, plant 3, to kya karenge hum? Subsidy mili 24 lakh, accordingly, in sub assets se reduce kar denge. नेक्स्ट पेज पर आइए. सब्सिडी इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली इफ, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सब्सिडी को हम रिड्यूस करते हैं फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली इफ सब्सिडी इज गिवन टू एक्वायर द एसेट, सब्सिडी इज कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू द एसेट और इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट, तभी कम करेंगे. 11 अंक आ चुके हैं. इन सभी एक्सप्लेनेशंस की मैंने समरी दी हुई है. इन सभी एक्सप्लेनेशंस की समरी दी हुई है. हम सेक्शन 47 करेंगे कैप गेन्स में, जहां एक पार्टनरशिप अगर कंपनी में कन्वर्ट होती है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं 47(13) में. अगर एक प्रोप्राइटर कंपनी में कन्वर्ट होता है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं 47(14). अगर एक प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है तो कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होते हैं 47(13B) में. सब करेंगे हम. इसके लिए लॉ है, इसके लिए लॉ है. प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो गई, सारे एसेट्स इसको ट्रांसफर कर दिए. बताइए जो ब्लॉक ऑफ एसेट ट्रांसफर किया इसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, जो WDV इसके हाथ में थी. ये देखिए पेज 58 एट द बॉटम एक्सप्लेनेशन 2C टू 43(6). पेज 58 where in any previous year any block of asset is transferred by private company, unlisted company to LLP
And 47(13b) की कंडीशन सेटिस्फाइड है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब क्लॉज वन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन केस ऑफ एलएलपी शुड बी द डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ द सेट कंपनी जिस दिन आपने कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल पढ़िए एग्जाम्पल, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है 1/4/21 को इन द हैंड्स ऑफ कंपनी 48 लाख. कंपनी ने एसेट परचेज किया 2 लाख का और कंपनी ब्लॉक बेच देती है एलएलपी को 30/8/21 को 80 लाख का. कैप गेन्स 47(13b) में एग्जेम्प्ट हो गए जो सेक्शन 50 में कैप गेन निकाले गए. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू एलएलपी विल बी 48+2 = 50 लाख. ये हमारा सबसे बोरिंग पोर्शन खत्म हुआ है, सबसे बोरिंग पोर्शन क्या है पीजीपी का. अच्छा देखिए, सरप्राइजिंगली लॉ मेकर से गलती कर गए. अगर एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट होती है और यहां 10 लाख का ब्लॉक 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो कैप गेन्स तो एक्सेम्प्ट है, बट इसके हाथ में कॉस्ट क्या होगी यह डिफाइन नहीं किया गया. कंपनी के हाथ में कॉस्ट क्या होगी यह डिफाइन करना भूल गए. एंड देयरफॉर कंपनी के हाथ में कॉस्ट 50 लाख हो जाएगी, बट यहां एक्सप्लेनेशन 3 लग जाएगी. कंपनी सेकेंड हैंड एसेट परचेज करिए, देयरफॉर जो एफएमवी ऑफ एसेट है एज पर एक्सप्लेनेशन 3 दैट बी टेकन एज एक्चुअल कॉस्ट. देखिएगा एक मिनट, पेज 46 पर देखिए, पेज 46 पर आइए. की पॉइंट, द लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब As to what will be the actual cost of the assets received by the company in case of succession under 47(13)(14), that is company proprietorship to company, firm to company. So, is case mein actual cost kya hogi? The price at which the assets were transferred to the company. My example 50 lakh. But AO explanation 3 invoke kar sakta hai aur fair market value ko le sakta hai as actual cost. So. हमने बहुत बोरिंग कंसेप्ट पूरा कर लिया, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है. जितना मैंने करा है इसके बियॉन्ड मत सोचिए, दिमाग मत लगाइए, ये बहुत है, बहुत बहुत ज्यादा है. पेज 63 पर आइएगा, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती है. सेक्शन 224 में है क्लॉज 8. सो 224 होता है डेफिनेशन ऑफ इनकम. क्लॉज 224 होता है कि इनकम का मतलब क्या है, उसमें क्लॉज 18 ऐड किया गया जिसमें लिखा इनकम इंक्लूड्स असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ एनी सब्सिडी. कोई सरकार आपको सब्सिडी देती है इनकम बन जाएगी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, लोन का वेवर इज इनकम, कंसेशन, रीइंबर्समेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी बॉडी एजेंसी इन कैश और काइंड टू द सेसी. यानी अगर कोई भी सब्सिडी मिलती है आपको वो आपकी इनकम मानी जाएगी. बट अभी तो मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल कॉस्ट से कम करेंगे, लॉ भी क्लैरिफाई करेगा. लॉ कहेगा कि अगर सब्सिडी को एक्चुअल कॉस्ट से कम कर दिया गया एज पर एक्सप्रेशन 10 तो उसे इनकम नहीं मानेंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे डबल नुकसान होगा ना सरसी को. मेरे पास 100 लाख का एसेट है, 20 लाख की सब्सिडी मिली, अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट से भी कम कर दूं
और इनकम भी बना दो 20 लाख को, डबल हिट हो गया सैसी। एंड देयरफॉर लॉ कहेगा ऐसा नहीं है। सो इनकम इंक्लूड्स एनी असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी, सब्सिडीज इनकम, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर। कोई भी लोन का वेवर होगा वो इनकम बन जाएगा, कंसेशन, रीइंबर्समेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो, अथॉरिटी कर रही हो, बॉडी कर रही हो, एजेंसी कर रही हो, यानी सबसे कवर्ड है इन कैश ऑन काइंड टू द असेसी। अदर देन एक्सक्लूड करते हैं सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट व्हिच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ एक्सप्रेशन 10-43(1). यानी जहां तो सब्सिडीज, आपको पावर सब्सिडी मिल रही है इनकम है, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है इनकम है, बट जहां सब्सिडी एसेट को एक्वायर करने के लिए जा रही है कॉस्ट से कम कर दीजिए, जहां सब्सिडी बैकवर्ड एरिया की है विद रेफरेंस टू एसेट्स कॉस्ट से कम कर दीजिए, इनकम नहीं बनेगी। तो अदर देन, यानी अगर सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट आपने एक्चुअल कॉस्ट से कम कर दी एज पर एक्सप्रेशन 10-43(1), तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। सेकंड एक्सेप्शन, एनी सब्सिडी ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ट्रस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस ट्रस्ट को कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, उसे इनकम नहीं मानते उस ट्रस्ट के हाथ में। रीजन है सरकार की ट्रस्ट है, सरकारी दे रही है। सो दिस अदर देन सब्सिडी ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो पहला है ये इनकम नहीं है। अगर सब्सिडी किसी एसेट की कॉस्ट से कम कर रहे हैं एज पर एक्सप्रेशन 10, तो इनकम नहीं है। या फिर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, किसको दे रही है, कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट के लिए, कौन सी ट्रस्ट, जो कि एस्टेब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पेज पर आइए। सो ये अमेंडमेंट जो आई थी क्लॉज बी, ग्रांट कैश असिस्टेंस और सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बजटरी सपोर्ट ऑफ अ ट्रस्ट और एनी अदर एंटिटी फॉर्म स्पेसिफिकली फॉर ऑपरेशनलाइजिंग सर्टन गवर्नमेंट स्कीम शैल नॉट बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रस्ट और एनी अदर एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट है, सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो ट्रस्ट है वो बनाइए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने। प्रोवाइडेड सच सब्सिडीज टूवर्ड्स द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, सब्सिडीज। तो कोई भी सब्सिडी हो, पावर सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, ऑल आर इनकम्स, बट इफ सब्सिडी इज गिवन फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एज पर एक्सप्रेशन 10-43(1). इफ सब्सिडी इज विद रेफरेंस टू द एसेट्स, देन ऑल्सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एज पर एक्सप्रेशन 10-43(1). इफ लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज वेव्ड, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, एक जजमेंट करेंगे स्टील अथॉरिटी का, देन सच लोन शैल बी रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एनी अदर सब्सिडी, वेवर ऑफ लोन, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी, विल बी टैक्सेबल एज इनकम एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे। आज कुछ पुअर लोगों को या एवरेज लोगों को गवर्नमेंट LPG सब्सिडी देती है, सिलेंडर्स पे सब्सिडी देती है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, क्या वो इनकम बन जाएगी? इन्होंने प्रेस नोट से कहा इनकम नहीं बनाएंगे। सो 2/24/18 नॉट टू इफेक्ट LPG सब्सिडी, अदर वेलफेयर सब्सिडीज रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स। द अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ इनकम शैल नॉट अप्लाई टू LPG सब्सिडी और एनी अदर सब्सिडी
received by the individual in his personal capacity and not in connection with business profession. LPG subsidy, other welfare subsidies, अगर आपको पर्सनल कैपेसिटी में मिल रही है, बिजनेस के दौरान नहीं मिल रही, तो वो टैक्सेबल नहीं है। एक ICDS है, पेज 66 पे लिखिए, पेज 66। मैंने लैंड परचेज किया, ₹80 करोड़ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, ₹20 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग हो गया मेरा ₹100 करोड़। पता है लैंड पर डेप्रिसिएशन मिलती है या नहीं? कभी नहीं मिलती। सो लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलती, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, ₹25 करोड़। आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ICDS कहता है कि जो सब्सिडी मिली लैंड परचेज करने के लिए, कितनी, 25% ऑफ 80 करोड़, ₹20 करोड़। इट शैल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ लैंड। ये 20 करोड़ आपकी PGBP इनकम मानी जाएगी। और जो सब्सिडी मिली आपको फॉर बिल्डिंग कितनी है, 5 करोड़, उसको आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग से रिड्यूस कर देंगे, 15 करोड़ लेंगे। ये बात ICDS कहता है, देखिएगा कहां कहता है ये बात। पेज 65 पर आइए, पॉइंट 56 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पेज 65, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट्स टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग और एसेट्स ऑफ अ पर्सन, द ग्रांट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट or the asset concerned or the WDV block of assets to which the concerned asset belongs to. तो building depreciable asset है, उसके लिए grant मिली है, subsidy मिली है, actual cost से कम करिए। Number 6,
where the government grant relates to non-depreciable asset. Land is non-depreciable. Or assets of a person requiring the fulfillment of certain obligations, the grant shall be recognized as income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to income. तो अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए सब्सिडी मिल रही है उसे आप बिजनेस इनकम मानेंगे। तो अगर एग्जाम में एग्जामिनर कहता है कि कंपनी ने क्या किया है, दोनों को कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया है, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्क नहीं आया, तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे कि 20 करोड़ हम इनकम में ऐड कर रहे हैं बिकॉज इट रिलेट्स टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड एज पर ICDS दिस इज इनकम ऑफ द असेसी। चलिए अब इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं सारे। एक अमलगमेटिंग कंपनी है, ये अमलगमेट हो जाती है अमलगमेटेड कंपनी में, और सपोज अमलगमेशन होता है 30/8/21 को, अब क्या होगा? जो अमलगमेटिंग कंपनी इनकम कमाएगी 1/4/20 से लेकर 21 से लेकर 29/8/21 अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और जो अमलगमेटेड कंपनी इनकम कमाएगी, मतलब अब ये इनकम यहां 30/8 से इनकम यहां ऐड हो जाएगी, सो 30/8 से ऑनवर्ड्स इनकम यहां जाएगी। सो कंपनी सिंस अमलगमेटिंग कंपनी खत्म हो जाती है बट ये इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। बट क्या होता है, ध्यान से देखिए, अमलगमेटिंग कंपनी का ब्लॉक जीरो हो जाएगा क्योंकि अमलगमेशन में सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए इसने, तो इसका ब्लॉक जीरो हो गया एंड देयरफॉर इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। लॉ मेकर्स कहते हैं ये अनफेयर है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है इसको भी मिलनी चाहिए इस पीरियड की। देखिए क्या हो रहा है, ये कंपनी इसमें अमलगमेट हो गई तो इसका ब्लॉक इस दिन जीरो हो जाएगा, सारे एसेट ट्रांसफर हो गए, बट ये इनकम इसके हाथ में टैक्सेबल है, बट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इसको ना मिलकर सारा इसी को मिल रहा है, एंड देयरफॉर लॉ कहता है जो इसकी डेप्रिसिएशन है हम दोनों में अपोर्शन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम। आइएगा, पेज 25 डेप्रिसिएशन, पेज 25 प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन अमलगमेशन डी मर्जर। डी मर्जर में आपको थर्ड मॉड्यूल में कराऊंगा। द एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग्स मशीनरी प्लांट फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट्स नो हाउ पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स अलाउबल टू predecessor and successor in case of succession referred in 4713 firm to company, 4713B company to LLP, 14 proprietorship to company, 170 amalgamating company and the amalgamated company in case of amalgamation, demerged company and resulting company in case of demerger, ye demerger mein karenge as the case may be, shall not exceed in any previous year any previous को अंडरलाइन करिए,
एनी प्रीवियस को अंडरलाइन करिए, उसके ऊपर लिखिए एनी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इन विच सक्सेशन, अमलगमेशन, डीमर्जर टेक्स प्लेस. तो लॉ कहेगा कि जैसे ही यहां अमलगमेशन हो रहा है तो इस कंपनी को जो डेप्शन मिलनी चाहिए थी, अब इसे हम इन दोनों में बांट देंगे, दोनों में बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम. Page 45, the aggregate deduction in respect of depreciation of buildings, machinery, plant, furniture being tangible assets, patents, copy, know-how being intangible assets, allowable to predecessor and successor in case of succession referred in 4713, 4714, 13B and 170. 170 में सारे succession आ जाते हैं. 170 भी करते हैं, सारे सक्सेशन आ जाते हैं. अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी इन केस ऑफ अमलगमेशन, रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर एज द केस में भी, शैल नॉट एक्सीड इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमलगमेशन डीमर्जर हो रहा है द डिडक्शन कैलकुलेटेड द प्रिस्क्राइब परसेंट रेट्स एज अ सक्सेशन अमलगमेशन डीमर्जर हैज नॉट टेकन प्लेस. एज्यूम करिए अमलगमेशन नहीं हुआ, एज्यूम करिए सक्सेशन नहीं हुआ, डेप्शन निकाल लीजिए किसकी, अमलगमेटिंग कंपनी की. एंड सच डिडक्शन शैल बी अपोर्शन बिटवीन प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर. अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी इज द केस में बी ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम. सेक्शन 170 एक जनरल सेक्शन है जो कहता है कि कोई भी सक्सेशन होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में, तो अप टू डेट ऑफ सक्सेशन इनकम प्रेडिसेसर के हाथ में टैक्स होगी और सक्सेशन के बाद की इनकम सक्सेसर के हाथ में टैक्स होगी. सेक्शन 170 डील्स विद केसेस ऑफ सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ. द सेट सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन रेफर्ड एज प्रेडिसेसर has been succeeded therein by any other person, referred as successor, who continues to carry on that business profession, then predecessor, shall be assessed in respect of the income of the previous year in which the succession took place up to the date of succession. And successor shall be charged to tax for the income of the previous year after the date of succession. तो अगर अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो भी डेप्रिसिएशन हम अपोर्शन करेंगे सक्सेशन के केस में.
यहां पर इनको गुडविल ऑफ बिजनेस एक्सक्लूड करना चाहिए था, भूल गए, मैंने कर दिया है. डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर 32(1)(1), 32(1)(2), 1(2)(a) सिंस एज पर द अमेंडमेंट रिलेटिंग टू गुडविल बाय द फाइनेंस एक्ट 21 नो डेप्रिसिएशन इज अलाउबल एनी मोर ऑन गुडविल द क्वेश्चन ऑफ अपोस्टिंग द सेम बिटवीन प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर विल नॉट अराइज. दोबारा पढ़ते हैं. अमलगमेशन हुआ. अब ये एसेट्स ये भी यूज कर रही थी और अमलगमेशन के बाद ये भी यूज करेगी, तो ये जो इसके एसेट्स हैं, मानेंगे अमलगमेशन नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे पूरे साल की और इन दोनों में बांट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम. अभी करते हैं. सो एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स अलाउबल टू प्रेडेसेसर सक्सेसर, सारे आ गए इसमें. अमलगमेटिंग अमलगमेटेड कंपनी, डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी शैल नॉट एक्सीड इन एनी प्रीवियस ईयर. मेरे पेजेस खो जाते हैं. Shall not exceed in any previous year. Which previous year? जिसमें amalgamation हो रहा है, succession हो रहा है. The deduction calculated the prescribed rates as if succession amalgamation demerger has not taken place. तो मान लीजिए amalgamation नहीं हुआ, depreciation निकाल लीजिए. और फिर deduction को आप portion कर दीजिए between predecessor and successor, amalgamating, amalgamated company, demerged resulting company, in the ratio of number of days the assets were used by each of them. For example, आराम से करिए. कंपनी पी इज अमलगमेटेड विद कंपनी एस ऑन 30/8/21. सो पी अमलगमेट हो रही है एस में 30/8/21 को. अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी. ओपनिंग डब्ल्यूडीओ ब्लॉक ऑफ एसेट्स विच आर ट्रांसफर्ड इन हैंड्स ऑफ पी ऑन 1/4/21 इज 48 लाख. कंपनी पी सेल्स द एसेट्स ब्लॉक ऑन 30/8/21 इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन फॉर रुपीज 80 लाख. 32 लाख का कैप भी निकल गया सेक्शन 50 में, बट दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47 प्रोवाइडेड एस इज एन इंडियन कंपनी. कंपनी पी ने एक एसेट एक्वायर किया था इस ब्लॉक में 1/6/21 को 2 लाख रुपीज का. इन पर कैप गेंस हो जाएगा 80-50, 30 लाख का कैप गेन एग्जेम्प्ट होगा. ओपनिंग डब्ल्यूडीओ ब्लॉक इन हैंड्स ऑफ कंपनी एस ऑन 1/4/21 इज 30 लाख. कंपनी एक्वायर्स एन एसेट ऑन 31/12/21 फॉर 5 लाख. कंपनी पी सेल्स द ब्लॉक ऑफ एसेट्स टू कंपनी एस ऑन 30. सो इसने एक एसेट एक्वायर किया 31/12/21 को 5 लाख. कंपनी पी सेल्स द ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑन 30/8/21 इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन फॉर 80 लाख. 80 लाख का पेज थी. अब आप क्या करेंगे, इसके हाथ में डेप्रिसिएशन निकालेंगे. देखिए वैसे तो देखिए, अगर ये प्रोविजन ना होती तो क्या होता, इसका ब्लॉक जीरो हो गया है,
ओपनिंग प्लस परचेजेस 50, बेस दिया 80, 30 शॉर्ट टर्म कैप गेन अंडर 50 विच आर एग्जेम्प्ट अंडर 47। तो लॉ कहता है कि क्या करिए, आप मानिए सक्सेशन नहीं हुआ, अमलगमेशन नहीं हुआ और डेप्रेशन निकाल लीजिए, तो कैसे निकलेगी? इस 48 लाख पर 15%, सिंस ये मोर देन 180 डेज यूज है इस पर भी 15%। तो निकाल लेते हैं 50 लाख पर 15% 7.5 लाख। अब इसे आप अपोर्शन कर दीजिए। तो पहले लोग कहते हैं ये मान लीजिए अमलगमेशन नहीं हुआ, डेप्रेशन निकाल लीजिए। अगर ये प्रोविजन ना होती तो डेप्रेशन इसको नहीं मिलती क्योंकि इसका ब्लॉक जीरो हो गया है। अब लॉ कहता है कि नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम, डेप्रेशन अपोर्शन कर दीजिए। तो यहां पर हम लेंगे ये कंपनी यूज करी है अप्रैल के 30 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त के मैं 29 दिन लूंगा। ट्रांसफर 30-60 को हो रहा है, मैं 29 दिन लूंगा। क्यों 29 दिन लूंगा आपको दिखाऊंगा, एक सेक्शन कराऊंगा 44DDDA, वहां ये कराऊंगा। तो मॉड्यूल 3 में देखेंगे हम, यहां लिखा होगा कि अमलगमेशन से एक दिन पहले काउंट करते हैं हम। ये हो गया 9-11 151 डेज। सो इस डेप्रेशन को हम अपोर्शन करेंगे 750 इंटू 151 बाय 365, ये दे देंगे हम पी को, और 750 इंटू 4 214 365, ये दे देंगे हम एस को। डेप्रिसिएशन अलाउबल हैड अमलगमेशन नॉट टेकन प्लेस 15% ऑन 48 प्लस 2 750 हो जाता मेरा। इसे हम बांटेंगे 151 डेज, 1 अप्रैल 21 से लेकर 29 अगस्त 21 तक 151 डेज, इधर 214 दिन, ये इन दोनों का से बांट देंगे। इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी क्या होगा? नो कैप गेन्स विल अराइज टू द अमलगमेटिंग कंपनी बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 47। कैप गेन्स 30 लाख के एग्जेम्प्ट हो जाएगा 47 में, इसका ब्लॉक निल हो गया है, बट स्टिल एज पर दिस प्रोविजो डेप्रिसिएशन अलाउबल टू अमलगमेटिंग कंपनी इज 3,10,274। इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी क्या होगा? ओपनिंग WDV है 30 लाख, एसेट्स परचेज किए 5 लाख रुपए के, अच्छा अब ये जो एसेट अमलगमेटिंग कंपनी से आए 80 लाख के आए, एक्सप्लेनेशन 7-43 लग जाएगा। जो WDV थी इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी वो ले लेंगे यहां पर 50 लाख, एज पर एक्सप्लेनेशन 2-43(6), ये हो गया हमारा 85 लाख। अब इस 30 लाख पर डेप्रिसिएशन मिलेगा 15%, इस 5 लाख पर 7.5% और इस 50 लाख पर अपोर्शन डेप्रिसिएशन। तो देखिए इस 30 लाख में मिल गया मुझे 15.5%, 5 लाख में मिल गया मेरा 37,500 7.5%, और 50 लाख पर है मेरा अपोर्शनड डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ध्यान से देखिए
लॉ मेकर्स को कुछ नुकसान हो रहा है। ध्यान से देखिए, लॉ मेकर्स को कुछ नुकसान हो रहा है, बता सकते हैं क्या? ये जो 3,10,274 रुपए है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा। देखिए, अमलगमेटिंग कंपनी को क्या हो रहा है, WDV ने लो गया, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वो ले गई, और इधर अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में 43.6 कहता है, जो WDV थी इन हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो इस 3,10,274 का डबल बेनिफिट मिल रहा है, इन द सेंस ये डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है अमलगमेटिंग कंपनी को, और अमलगमेटेड कंपनी के ब्लॉक से रिड्यूस नहीं हो रहा है। अमलगमेटेड कंपनी के ब्लॉक में हम क्या ले जा रहे हैं, 50 लाख। देखिए ना, अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में एसेट थे 50 लाख के, बेच 80 लाख के अमलगमेटेड कंपनी को, हमने डेप्रिसिएशन यहां दे दी 3,10,274, और यहां दे दी 439,726। इसके ब्लॉक से तो ये कम हो ही जाएगा, बट ये जो डेप्रिसिएशन है ये अमलगमेटिंग कंपनी को मिल रहा है, बट इसके ब्लॉक में क्या ऐड हो रहा है, 50 लाख, जो WDV थी इन द हैंड्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। तो इसका आप कह सकते हैं डबल बेनिफिट मिल रहा है, इंस्टीट्यूट भी यही व्यू लेती है। इस क्वेश्चन में आप कहेंगे लॉ कहता है नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम, कंपनी पी ने एसेट एक्वायर किया 1621 को, मैंने तो 365 डेज ले लिया। क्यों? क्योंकि एसेट अगर 180 डेज से मोर यूज होता है तो पूरे 365 डेज की डेप्रिसिएशन मिलती है। मैंने व्यू लिया कि सिंस एसेट मोर देन 180 डेज यूज हो रहा है तो आपको पूरे 365 दिन की डेप्रिसिएशन मिल रही है, इसलिए मैंने व्यू लिया। अभी देख लेते। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन भूल गया, अब आप लिखना शुरू करिए पेज 26, ये लिखते रहिए। अगर कंपनी पी ने जो एसेट एक्वायर किया न्यू एसेट है, एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, फिर क्या होगा? देखिए, लिखिए क्या होता मेरा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इतना ही बनता, 750, ठीक है। बेसिकली फिर हम क्या करते, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 20% ना, 20%, 20% ऑफ 2 लाख। नॉर्मल तो ये बनेगा ना, फोर्टी एट
ओके तो इस केस में लिखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन बनता आपका 2 लाख पे 20% 40,000 फिर हम 790 को अपोर्शन करते 151/365 790 इंटू 214/365 ये आ जाता है मेरा 326,822 एंड दिस वुड हैव बीन 463,178 तो इस क्वेश्चन में अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी हम लेना चाहिए सो अगर ये नया एसेट था इन द हैंड्स ऑफ पी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेकर अपोर्शनमेंट करेंगे आप इसका डेप्रिसिएशन आप लोग कितना हो जाता 3,10,000 की जगह हो जाता 326,822 नेक्स्ट पेज अमलगमेटेड कंपनी के केस में यहां 439 की जगह आ जाता 463,178 एंड WDV वुड हैव बीन 74,99,322 तो मैंने यहां पर जो एसेट साल के दौरान में खरीदा गया है उस पर मैंने पूरी 365 दिन की डेप्रिसिएशन ली बिकॉज 180 डेज से ऊपर है और फिर 1 अप्रैल से 29 अगस्त तक लिया इधर 30 अगस्त से वहां लिया उधर इंस्टीट्यूट कुछ और व्यू लेती है हम इंस्टीट्यूट का व्यू फॉलो करेंगे देखिएगा पेज 27 एट द बॉटम जो इलस्ट्रेशन है ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटीरियल से साई लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स साई लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिसका WDV है 1,41,40,00,000 इट परचेज अनदर एसेट सेकेंड एन एसेट ऑन 1/11/21 फॉर 14.4 लाख एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डे देखिए इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर सेकेंड एन एसेट लिया ताकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का इशू ना आए अब साई का WDV था 40,00,000 एसेट खरीदा 1/11/28 को 14.4 लाख का उसे पुट्टी यूज कर दिया और साई अमलगमेट हुई शेडी के साथ 1/1/22 आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है साई शेडी की 22 प्रीवियस के लिए एज्यूमिंग दैट द एसेट्स वर ट्रांसफर टू शेडी एट ₹60,00,000 एज्यूम दैट प्लांट मशीनरी वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक अब देखिए क्या होगा साई का
ओपनिंग WDV है 40 लाख, एसेट परचेज किए 1440, 5440। अब इंस्टीट्यूट कहती है डेप्रिसिएशन निकाल लिया 40 लाख पे 15%, और जो एसेट 180 डे से कम यूज हुआ है उस पे 7.5%, ये भी ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 7,08,000। नाउ इंस्टीट्यूट से इसका क्या करिए आप, 6 लाख से जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसे आप 275 बाय 275 बाय 365, दिन में कहीं गलती की हमने, दिन गिनने में नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी ठीक है। तो 6 लाख की डेप्रिस को बांट दीजिए आप नंबर ऑफ डेज द एसेस वाई यूज फॉर देम, 1 अप्रैल से लेंगे हम, तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अमलगमेशन हो रहा है 1, 1, 2, 2, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 3, 18, 21, 24, 23, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, 4, 5, 5 ही तो आएगा, ठीक है। सो 275 दिन, सो ये जो मेरी थी नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये 6 लाख, इसे बांटा 275 और 90 के हिसाब से बिटवीन शाही एंड शेडी, और जो मेरी एसेट 1,08,000 का है उसे देखिए कब परचेस किया इन्होंने, 1/11/21 को, और दे दिया शेडी को 1/1/22 को, यानी 30 दिन नवंबर के हो गए और 31 दिन हो गए दिसंबर के, तो 61 डेज और 90 डेज यहां पर लिया, तो इंस्टीट्यूट एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काउंट कर रही है, सो इंस्टीट्यूट कह रही है कि जो ये 6 लाख है ये तो बटेगा बिटवीन साई एंड शेडी, 6,00,000 × 275/365, 6,00,000 × 90/365, और जो मेरा साल के दौरान खरीदा गया है वो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से काउंट करेंगे आप, आ गया मेरा 1,08,000 × 61 days / 151, 1,08,000 × 90 days / 151, सो इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज ले रही है, तो हम भी अपना आंसर चेंज करते हैं ऊपर वाले का, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया क्वेश्चन 1 उसका आंसर यहां निकाल लिया बाबू, पेज 28। सो लेट्स सॉल्व एज पर ICAI, एग्जाम में भी आप ICAI फॉलो करिए, एग्जाम में भी आप ICAI फॉलो करिए। सो 48 लाख पर 15%,
ये हो जाएगा मेरा 7,20,000। 2,00,000 पर मेरा 35% होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलाकर, ये हो जाएगा 70,000। अब 7,20,000 को आप बांटेंगे बिटवीन अमलगमेटिंग अमलगमेटेड कंपनी सो एग्जाम में आप इंस्टीट्यूट का व्यू फॉलो करिए, ये निकल गया मेरा 2,97,863। ये निकल गया मेरा 4,22,137। और 70,000 को कैसे बांटेंगे आप, 70,000 × 90 days by 304 days, 70,000 × 214/304 days, ये हो गया। सो फॉलो आईसीआई, टोटल तो मिलेगी दोनों को 3,18,586।
So follow the ICA view. Please follow ICA view. I hope the concept is clear. चलिए बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं. VG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Hi, this is Neha. She is about to complete school and wants to make a head start in her career. She knows that only graduation will not give her an edge. She only knows about the traditional options such as BCom, MBA, BBA, CA. But she doesn't want that. She is looking for something that gives her a professional advantage in the future. A professional qualification with a global value. That's when she discovers ACCA. A globally recognized qualification of certified accountants, recognized in over 181 countries. She thought it must be expensive. But thanks to VG Learning for providing affordable coaching, scholarship and guidance to students if you wish to choose the best career option for your child. Giving two international qualifications without a visa. Call now to speak to a counselor. Can we please start the class? So, hum break se pehle apportionment of depreciation kar rahe the. पेज 25 पर लिखिए तो देखिए अगर अमलगमेटेड कंपनी फॉरेन कंपनी भी है तो भी अपोर्शनमेंट होगा बिकॉज यहां कहीं कंडीशन नहीं है दैट इट शुड बी इंडियन कंपनी. तो पॉइंट टू के आगे एक नोट लिखिए यहां पर. अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी मेड इवन इफ अमलगमेटेड कंपनी is a foreign company. तो देखिए फिर क्या होता हमारा क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाता. तो अगर पेज 26 पर जो कंपनी है ये फॉरेन कंपनी होती है अमलगमेटेड कंपनी डेप्रिसिएशन का अपोर्शनमेंट सेम तरीके से होता बट कैप गेन्स सेक्शन 50 में एग्जेम्प्ट नहीं होते. कैप गेन्स
सेक्शन 50 में एग्जेम्प्ट नहीं होते, बिकॉज 47 तब लगता है जब अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो इस केस में अगर अमलगमेटेड कंपनी फॉरेन कंपनी होती तो ये कैप गेन्स मेरे एग्जाम नहीं होते अंडर सेक्शन 50। और अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में हम एसेट्स जो एक्वायर की गए हैं उसकी कॉस्ट लेते 80 लाख, 50 लाख की जगह 80 लाख लेते, बिकॉज एक्सपेंशन 2 to 43.6 नहीं लगती। एक काम करिएगा, घर जाकर पेज 276 पर क्वेश्चन 20 का पार्ट 4 करिएगा, क्वेश्चन 20 का पार्ट 4 करिएगा, जहां मैंने, ऑल्दो एग्जामिनर ने नहीं पूछा बट मैंने ही अजम्पशन दे दी कि अगर अमलगमेटेड कंपनी फॉरेन कंपनी होती तो क्या होता, तो कैप गेन सेक्शन 50 में एग्जाम नहीं होते। और जो अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में हम कॉस्ट लेते 50 लाख की जगह 80 लाख लेते, इस क्वेश्चन में मैंने ये सब सॉल्व किया हुआ है। तो प्लीज डू दिस क्वेश्चन। सेम होगा अगर अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है, सेम आंसर है बिल्कुल। अब एक कंसेप्ट करते हैं जो फाइनेंस एक्ट 21 से आया है। पेज 71 पर आ जाइए, इस चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फाइनेंस एक्ट 21 ने अमेंडमेंट एप्लीकेबल की है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। सो ऑल्दो नॉर्मली अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट 21 आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23, बट दे हैव मेड द फाइनेंस एक्ट 21 हैज मेड द अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर गुडविल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं? एक तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में लिखा गया कि इनटेंजिबल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूड नहीं करेंगे। सेक्शन 32(1)(2) में भी लिख दिया गया कि डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी आपको ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। मैंने जानबूझकर ये अमेंडमेंट्स 43(6) और सेक्शन 50 की आपको वहां नहीं कराई जहां 43(6) दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाते। ये जो अमेंडमेंट है ओनली फॉर गुडविल है। गुडविल का मेरा ब्लॉक बता इंटेंजिबल्स, कैसे बनाते हैं ब्लॉक, ओपनिंग WDV, एड additions during the year, less monies payable in respect of assets sold, transferred, sold, discarded, demolished during the previous year, और फिर further less किया गया Finance Act 21 से। बताइए क्या less करेंगे? गुडविल की WDV हटा दीजिए, गुडविल की WDV हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? सपोज गुडविल आपने 1/1/18 को परचेस की थी 100 रुपए की, तो क्या करिए, 100 रुपए असेसमेंट ईयर 18-19 का 12.5% डेप्रिसिएशन,
असेसमेंट इन 1920 का 25% एप्रिसिएशन, असेसमेंट या 2021 का 25% एप्रिसिएशन, ये माइनस कर दीजिए इसमें से। ये मेरी निकल गई WDV ऑफ गुडविल, उसे अब यहां से माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल से करते हैं अभी। सो इनटेंजिबल्स का जो ब्लॉक बनेगा उसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग WDV एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर लेस मनी पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड इन द प्रीवियस ईयर, फर्दर लेस करिए WDV ऑफ गुडविल। सो 43(6) में कह रहे हैं जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसमें फर्दर एडजस्ट करिए रिडक्शन बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुडविल फॉलोइंग दिस ब्लॉक एज डिक्रीज बाय 100 रुपए मेरे एग्जांपल में एज डिक्रीज बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल टू द असेसी फॉर सच गुडविल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एज इफ गुडविल वॉज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एज्यूम कर लीजिए कि गुडविल इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, WDV में निकाल लीजिए, उस WDV को लेस कर दीजिए फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट 21-22 इन केस वेयर द गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वॉज पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन वॉज ऑप्टेन बाय द असेसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर सो हाउ एवर द अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द WDV द WDV। तो ये जो रिडक्शन है दैट विल नॉट एक्सीड द WDV। अभी सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, एग्जाम्पल की तो समझ में आएगा। तो असेसमेंट या 21-22 का जो ब्लॉक बनाएंगे उसमें ओपनिंग WDV एड एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर लेस मनीज पेबल लेस गुडविल की एक्चुअल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन जब से वो परचेज हुआ था टिल असेसमेंट या 2021 लेस कर दीजिए एंड दिस रिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल। सेक्शन 50 चेंज किया गया, प्रोवाइडेड एट इन केस वेयर गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेसमेंट ब्लॉक ऑफ एसेट फॉर असेसमेंट एट 2021 एंड ऑनवर्ड्स एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द असेसी अंडर द एक्ट द WDV ऑफ दैट ब्लॉक ऑफ एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैप गेन्स इफ एनी शैल बी डिटरमिन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये कह रहे कि अगर असेसमेंट है 2021 में गुडविल आपका ब्लॉक का पार्ट था तो WDV कैप गेन निकालने के लिए हम रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे और ये रूल 8AC अभी आ गया है। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैप गेन्स एंड WDV अंडर सेक्शन 50 वेयर डेप्रिसिएशन गुडविल हैज बीन ऑब्टेन। पैरा 1 जनरल लिखा होता, पैरा 1 में लिखा था कि हम ये रूल नोटिफाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंस एक्ट 21। पैरा 2 वेयर द गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वॉज द ओनली एसेट, इकलौता एसेट था और वन ऑफ द एसेट्स इन ब्लॉक ऑफ एसेट्स इनटेंजिबल for which depreciation was obtained by the assessee in assessment year 2021, the WDV of this block for previous year relevant to assessment year 21-22 shall be determined in accordance with section 43(6)(c)(2)(b) जो अभी हमने किया 43(6)(c)(2)(b) तो कह रहे हैं जैसे हमने 43(6) में बताया वैसे WDV निकाल लीजिए। नंबर 3,
where the reduction under 43(6)(c) to b for previous year 2021 assessment 21-22 exceeds aggregate of the following amounts, namely example ke through karte sir, the WDV of block of assets at the beginning of the previous year 2021 without giving effect to reduction under 43(6)(c)(2)(b) and the actual cost of any asset falling within the block of intangibles other than goodwill acquired during the previous year 2021, then such excess shall be deemed to be the capital gains arising from transfer of short-term capital asset. तो अगर रिडक्शन से रिडक्शन जो है इससे एक्सीड कर रही है तो एक्सेस को हम शॉर्ट टर्म कैप गेंस माने विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 एंड सेक्शन 55 वेयर द गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वॉज द ओनली एसेट इन ब्लॉक ऑफ एसेट इंटेंजिबल फॉर विच डेप्रिसिएशन वॉज ऑब्टेन बाय द असेसी इन असेसमेंट ईयर 2021 एंड ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस on account of there being no further asset acquired during the previous year 2021 in that block, there will be no cap gains or loss on account of block of assets having ceased to exist. The cap gains or loss on transfer of goodwill during previous year relevant to assessment year 21-22 or subsequent assessment year shall be determined in accordance with provisions of 48, 49 and 55. Section 55 कहता है in relation to capital asset being goodwill of business profession or trademark brand name associated with the business profession, right to carry, manufacture, produce, article वगैरह वगैरह अगर आपने गुडविल परचेज किए तो परचेज प्राइस लेंगे इन केसेस 1-4 और 49(1) ये बाद में कर लेंगे ये सब बाद में कर लेंगे अगर गुडविल परचेज किए तो परचेज प्राइस लेते हैं ये अमेंडमेंट आई प्रोवाइडेड एट वेयर कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 32(1) हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द असेसी इन प्रीवियस ईयर preceding the previous year relevant to assessment in 21-22, the provisions of 1 and 2 shall apply with a modification that total amount of depreciation obtained by the assessee under 32(1) before assessment in 21-22 shall be reduced from the amount of purchase price. करते भी सारा करते हैं. अब देखिए. The following information is given for block of intangible assets. The said block includes intangibles like know-how, copyright, licenses and goodwill. Case 1 pe limit karenge apne aap. WDV of intangible block as on 1/4/20, 95 lakh. गुडविल आपने परचेज की थी 1/1/18 को 80 लाख की अब क्या करेंगे हम एज्यूम करिए लॉ कहता है कि इसको इकलौता एसेट मानकर डेप्रिसिएशन लेस करिए टिल असेसमेंट ईयर 2021 assume that goodwill was the only asset in the block of asset since it was purchased. WDV of goodwill on 1/4/20 shall be computed as under cost of goodwill 80 lakh, assessment year 18-19, 1/1/18 को खरीदी है तो 50% depreciation, intangibles of depreciation rate 25% होता है 1920 and 2021 ये मेरी WDV ऑफ गुडविल आ गई 1/4/20 को तो देखिए
WD भी निकाल लीजिए, सेक्शन 50 देखते हैं अब क्या कहेगा। कहता है कि रूल हम लगाएंगे, जो नया रूल लेके आ रहे हैं, सेक्शन 50 कहता है रिडक्शन कि गुडविल इंटेंजिबल्स का पार्ट है ब्लॉक का, और 2021 असेसमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन क्लेम की थी, द WD भी निकालिए एस ऑफ 43(6)(c)(2)(ba), ये निकल गई मेरी। नाउ इन असेसमेंट या 21-22 WD ब्लॉक ऑफ एसेट्स शैल बी रिड्यूस बाय 95 लाख में से, ये कम कर दीजिए, यह 55,062,500। सेक्शन 50 का कोई और पार्ट लग ही नहीं रहा मुझे, सेक्शन 50 का सिर्फ पार्ट 2 लग रहा है मुझे, रूल 8 AC का। सो ये कम कर दीजिए आप, 55,062,500 इज अ WD ब्लॉक ऑफ एसेट्स, असेसमेंट या 21-22 में 25% डेप्रिसिएशन दीजिए, असेसमेंट या 22-23 25% डेप्रिसिएशन, दिस इज द ब्लॉक क्लोजिंग ओपनिंग WDV नेक्स्ट ईयर। सेक्शन 55 क्या कहता है, क्लॉज ए तो पुराना है, ये कहता है कि गुडविल आपने परचेज की तो परचेज प्राइस लेंगे कॉस्ट, लेकिन अगर गुडविल परचेज की थी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे तो जो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया वो लेस कर दीजिए, एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल इन माय केस विल बिकम 39,37,500। केस 2 देखिए, मेरा ब्लॉक की WDV थी 35 लाख ओपनिंग, 80 लाख की गुडविल मैंने पहले परचेज की, ऐसे निकाल लीजिए 39,37,500। कि एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करिए, ब्लॉक से कम करिए, लेकिन लॉ कहता है कि रिडक्शन विल नॉट एक्सीड द WDV। सेक्शन 50 रूल 8AC का पार्ट 3, जहां रिडक्शन कर रहे हैं 43(6)(c)(2)(b) में फॉर प्रीवियस 2021 एंड इट एक्सीड्स एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस 2021 विदाउट गिविंग इफेक्ट टू रिडक्शन, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ब्लॉक, देन एक्सेस विल बी डीम्ड एज शॉर्ट टर्म कैप गेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। केस 2, WDV भी निकली 39,37,500, मेरा 35 लाख का ओपनिंग WDV है, रिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स 35 लाख, निल डेप्रिसिएशन इज निल, और रूल 8AC क्या कहता है कि इफ दिस एक्सीड्स ओपनिंग WDV प्लस एसेट्स एक्वायर्ड देन
437,500 is short term capital gains. ये short term capital होगा असेसमेंट ईयर 21-22 का. और सेक्शन 55 कहता है कि अगर ये गुडविल आप बाद में बेचते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी परचेज प्राइस माइनस डेप्शन अमाउंट टिल डेट, यानी 37,500 ली जाएगी एंड होल्डिंग पीरियड विल बी फ्रॉम 1/1/18. सपोज इन इलस्ट्रेशन वन गुडविल वॉज only remaining asset on the block of assets on 1/4/20, what shall be the treatment and assessment at 21/22? Rule 8AC, part 4. Jahan goodwill ikalota asset tha in the block of asset and block of assets cease to exist on account of there being no further asset acquired in the previous year 2021 in this block, there will be no cap gains or loss on account of block of asset having ceased to exist. So illustration 2 mein kya hoga, agar goodwill was the only asset इन द ब्लॉक, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट कर गया, नो फर्दर एसेट वॉज एक्वायर्ड, तो इस 60 to 500 की कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी. दिस इज अ डेड लॉस. सपोज असेसी परचेज नो हाउ ऑफ 10 lakh ऑन 1/1/20 इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन वन, फिर क्या होगा? Opening 95 lakh, asset acquired 10 lakh, goodwill की value minus करेंगे, ये आ गया, depreciation निकालेंगे अब आप, इस तरह से, इस वाले केस में 35 lakh plus 10 lakh, 37,500, restriction नहीं होगी, 560 to 500, इस पर depreciation निकलेगी, और गुडविल अगर बेचेंगे बाद में उसकी कॉस्ट ले जाएगी 39,37,500 एज पर सेक्शन 55. सारा कुछ दोबारा करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा. ब्लॉक ऑफ एसेट में अब गुडविल नहीं आएगा. 32-1/2 कहता है डेप्रेशन नहीं मिलेगी. फोर्टी थ्री सिक्स कहता है क्या करिए आप, असेसमेंट या 21-22 का जो ब्लॉक बनाएंगे आप, 1/4/20 की WDV है, उसमें एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, लेस सेल प्राइस करते हैं, फर्दर लेस करिए जो गुडविल आपने परचेज की थी माइनस, मतलब गुडविल की WDV निकाल लीजिए, गुडविल जो परचेज की थी लेस डेप्रिसिएशन अप टू असेसमेंट ईयर 2021 निकाल लीजिए, वो ब्लॉक से लेस कर दीजिए,
ताकि अब मेरी WDV में WDV और गुडविल नहीं आ रही, बट ये जो लेस करेंगे इट कैन नॉट एक्सीड द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, क्योंकि ब्लॉक की WDV नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्लियर है तक? ये कह रहे हैं सेक्शन 50 के लिए हम रूल निकालेंगे। रूल आ गया 8AC। पहला जनरल है कि हमने ये रूल निकाला है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 21, वो मैंने दिया नहीं है। टू में कह रहे हैं कि क्या करिए हम सेक्शन 50 में कैसे निकालते कैप गेन सेल प्राइस माइनस ओपनिंग WDV माइनस एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो उस WDV की जगह लीजिए जो WDV हमने निकाली है 43.6 के हिसाब से आफ्टर डिड्यूसिंग द WDV ऑफ गुडविल। नंबर थ्री, अगर जो गुडविल की WDV निकल रही है वो एक्सीड कर रही है ओपनिंग WDV प्लस एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो एक्सेस है उसे हम शॉर्ट टर्म कैप गेन मान लेंगे असेसमेंट 21-22 का। फोर, अगर गुडविल मेरा इकलौता एसेट था ब्लॉक में और ब्लॉक अब सीज टू एग्जिस्ट कर गया बिकॉज गुडविल एसेट रही नहीं, तो जो भी अमाउंट बचेगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये करें जब गुडविल बिकेगी तो कैप गेन्स का चैप्टर लग जाएगा। सेक्शन 55 में ये पहले से ही था, ये सब पहले से ही थे, हम कैप गेन्स में करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि गुडविल अगर परचेज करते तो परचेज प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां इन्होंने अमेंडमेंट की कि जो गुडविल आपने परचेज की थी उसमें से क्या करिए जो डेप्रिसिएशन आपको मिली असेसमेंट 2021 तक की उसे लेस कर दीजिए, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इलस्ट्रेशन दोबारा देख लीजिए। मेरे ब्लॉक में बड़े सारे एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, ओपनिंग 95, 35, 80 की गुडविल परचेज की थी, तो क्या करिए गुडविल के WDV में निकाल लीजिए 39,375,000। केस वन में 95 में से ये माइनस करिए, ये आ गया, इस पर आप डेप्रिसिएशन देंगे सस्पेंडेड 21-22 देन 22-23। केस में 35, 39, 37 इसको निल कर देंगे एंड 4,37,500 इज शॉर्ट टर्म कैप गेन्स फॉर असेसमेंट 21-22। सपोज इन इलस्ट्रेशन वन गुडविल, अच्छा अब इन दोनों केस में जब गुडविल आगे बिकेगी तो कॉस्ट क्या लेंगे उसकी 39,37,500 एज पर सेक्शन 55 द अमेंडमेंट। सपोज इन इलस्ट्रेशन वन केस वन गुडविल वॉज अ ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, फिर क्या होता 95,39,700 ये डेड लॉस हो जाता, 55,60,500 डेड लॉस, नो टैक्स ट्रीटमेंट। हम कह रहे हैं इसके बाद कि सपोज इलस्ट्रेशन वन में हमने 10,00,000 का एसेट और खरीदा होता, फिर क्या होता 95 + 10 - WDV ऑफ गुडविल, ये आ गया, अब डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। केस में 35 + 10 रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, 5,600,500 डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए
और जब ये गुडविल बिकेगी दोनों केस में कॉस्ट विल बी टेकन एज 39,37,500. सो आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू. कुछ डेप्रिसिएशन को वाइंड अप करना शुरू करते हैं. जो कॉन्सेप्ट्स रह गए उनको कवर कर लेते हैं. मेरा बिजनेस है कि मैं फॉरेस्ट में से टिम्बर ट्रीज काटता हूं और उनकी सेल करता हूं. एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है ये. फॉरेस्ट में अपने आप ट्रीज उग जाते हैं, उनको मैं काट कर बेचता हूं. इसके लिए मैंने एलिफेंट्स रखे हुए हैं. एलिफेंट्स जो डी फॉरेस्ट में जाकर ये कट ट्रीज लेके आते हैं. क्या इन एनिमल्स को आप प्लांट मशीनरी मानेंगे? क्या इन एनिमल्स को प्लांट मशीनरी माना जाएगा? एंड विल दे बी एंटाइटल डेप्रिसिएशन एट 15%? कोर्ट्स ने कहा यस. कोर्ट्स ने कहा इसलिए ट्रक अगर होते, अगर ट्रक आप फॉरेस्ट में ले जाते, उसमें टिम्बर लेके आते, डेट इज प्लांट मशीनरी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. तो अगर एनिमल्स हैं, बिजनेस में यूज हो रहे हैं, then they are very much plant machinery eligible for depreciation. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं थी. क्यों खुश नहीं थी? पेज 121 पर आइएगा. पेज 121 जहां सेक्शन 36 दिया हुआ है. सेक्शन 36 होता है डिडक्शंस अलावेबल वाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम. सेक्शन 36 होता है डिडक्शंस. द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउेबल वाइल कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम. सेक्शन 36(1)(6) कहता है अगर आपने 10 लाख का एलिफेंट खरीदा, 10 लाख का एलिफेंट खरीदा जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और ये एलिफेंट की डेथ हो जाती है या परमानेंटली यूजलेस हो जाता है, तो हम 10 लाख आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे जिस साल में इस एनिमल की डेथ हो रही है या ये परमानेंटली यूजलेस हो रहा है. लॉ ये भी कहता है कि अगर एलिफेंट के मरने पर उसको आपने उसकी स्किन वगैरह बेच दी, उससे आपको 75,000 मिले, तो 9,25,000 इज द डिडक्शन अंडर 36(1)(6). सो सेक्शन 36(1)(6) कहता है कि आप अगर एनिमल्स यूज कर रहे हैं बिजनेस में और एनिमल्स जो है परमानेंटली यूजलेस हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ एनिमल 10 लाख आपको अलाउ कर देंगे जिस साल में डेथ हुई, एनिमल परमानेंटली यूजलेस हुआ, और कुछ अमाउंट आपको मिला है उसकी स्किन वगैरह बेचने से वो कम कर दीजिए. 9,25,000 इज द डिडक्शन अंडर 36(1)(6). देखिए ना, एनिमल्स यूज्ड इन बिजनेस अदर देन ए स्टॉक इन ट्रेड,
अदर देन स्टॉक एंड डेट अभी पढ़ेंगे, पहले स्टॉक एंड डेट छोड़ के पढ़िए. इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इग्नोर द वर्ड्स अदरवाइज देन ए स्टॉक एंड ट्रेड. इग्नोर कर दीजिए. सो प्लीज इग्नोर द वर्ड्स अदरवाइज देन ए स्टॉक एंड ट्रेड. इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड हैव डाइड और हैव बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच बिजनेस पर्पसेस, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल्स टू द असेसी, माय एग्जांपल 10 लाख एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स ऑफ द कार केसेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन. अब बताइए, जब कोर्ट्स ने कहा कि एनिमल्स प्लांट मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी तो रेवेन्यू को तो नुकसान हो गया. देखिए ना, सपोज स्किन सेल नहीं हो रही, अगर आप 15% डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हैं, और जिस साल एनिमल की डेथ होगी आपको 10 लाख की डिडक्शन मिल गई, देयरफॉर डबल बेनिफिट मिल गया आपको, 36,16 में मिल गया, उधर डेप्रिसिएशन में मिल गई. इसलिए अमेंडमेंट आई कि प्लांट मशीनरी में हम एनिमल्स इंक्लूड नहीं करेंगे. अभी कराता हूं. अमेंडमेंट आई कि प्लांट मशीनरी में हम एनिमल्स इंक्लूड नहीं करेंगे. सो ये क्लियर है. एनिमल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव बीन यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड हैव डाइड और हैव बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पस, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एनिमल्स टू द असेसी 10 लाख एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स कार केसेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन. तो यहां पर अगर 75,000 की स्किन सेल होती तो 9.25% की डिडक्शन मिल जाती. और अभी हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी एनिमल्स पर. यहां लिखा है अदरवाइज देन ए स्टॉक इन ट्रेड. ऐसा क्यों लिखा है? देखिएगा, अगर एनिमल स्टॉक इन ट्रेड है, मेरे ओपनिंग स्टॉक में 100 एनिमल्स थे, सपोज एज्यूम कर लेते कोई परचेज सेल नहीं है, 5 एनिमल्स की डेथ हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में 95 एनिमल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली 5 एनिमल्स का लॉस मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को में डेबिट हो गया. एंड देयरफॉर लॉ मेकर सेज अदरवाइज देन ए स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज अगर एनिमल्स की डेथ हो गई है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा आपका. एंड ऑटोमेटिकली जो 5 एनिमल्स की डेथ हुई है, That comes in the debit of profit and loss account. So amendment दिखाता हूं भी आपको, चलिए देख लेते हैं. आप क्या पेज 23 पर आइए. डेफिनेशन ऑफ प्लांट सेक्शन 43(3) defines plant to include ships, vehicles, books, scientific apparatus, surgical equipments used for the purpose of business profession, but does not include livestock. Livestock means animals. So animals are not plant machinery. देखिए, एक छोटी सी amendment है ये, और examiner ने एक पूरे question में डाल दिया ये. पेज 325 पर क्वेश्चन 65 है, जहां असेसी होटल्स का बिजनेस चला रहा है. असेसी होटल का बिजनेस चला रहा है, ठीक है, असेसी होटल का बिजनेस चला रहा है, और
फिफ्थ देखिए, फिफ्थ लिखा है कि फॉलोइंग आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें फॉलोइंग आइटम्स डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। 0.5 lakh 50,000, बीइंग प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, परचेज एंड कैप फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट ऑफ होटल, अमोर्टाइज एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो होटल ने एनिमल्स रखे हुए हैं ताकि गेस्ट का एंटरटेनमेंट हो सके, और होटल उनकी कॉस्ट को हर साल 50,000 अमोर्टाइज कर रहा है। क्या करेंगे? इसको एड बैक करेंगे, इसको एड बैक करेंगे। 0.10 lakh 10,000 credited on account of sale proceeds of carcass of animals which died during the year। आपने 10,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिए हुए हैं, जो एनिमल मर गए उनका स्किन बेचा, 10,000 रुपए आए, आपने क्रेडिट कर दिए। नेट प्रॉफिट से कम करेंगे हम, वो तो जब 36,16 डिडक्शन निकालेंगे तब एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये 50,000 रुपीज जो अमोर्टाइजेशन किया गया एडबैक करेंगे। ये जो 10,000 रुपए मिसलिनियस इनकम में ले गए हैं द सेल ऑफ कार्केस ऑफ एनिमल्स, उसे लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एनिमल्स डाइड वॉज 2 lakh, तो क्या करेंगे आप? 2 lakh minus 10,000, 1,90,000 की डिडक्शन देंगे वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। दैट्स ऑल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एग्जामिनर छोटे से छोटे इश्यूज इन जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, उसमें डाल देता है। वापस आइए पेज 23 पर। अभी शॉर्टली हम पढ़ेंगे जो टी बुशेस होती है। क्या होता है टी बिजनेस में? हिल्स पर टी बुश प्लांट की जाती है और एक टी बुश 7 to 8 इयर्स टी लीव्स देती है। अच्छा, कोर्ट्स ने कहा, अच्छा एनिमल्स का क्लियर कि एनिमल्स को हम प्लांटेशन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि डबल डिडक्शन मिल जाती है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऑलरेडी जब एनिमल की डेथ होगी मुझे 36,16 में डिडक्शन मिल जाएगी। अब कोर्ट्स ने कहा टी बुशेस भी प्लांट है क्योंकि ये चाय की पत्तियां दे रही आपको 7-8 साल तक। अभी हम पढ़ेंगे मे बी टुडे और इन द नेक्स्ट क्लास कि जो टी बुशेस लगाई जाती हैं ये आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाता है। एक रूल 8 है वो कहता है। तो देखिए रूल 8 में आप टी बुशेस को एक्सपेंस क्लेम कर गए और इधर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स अमेंडमेंट की दैट प्लांट मशीनरी विल नॉट इंक्लूड टी बुशेस। पेज 23 सेक्शन 43(3) डिफाइंस प्लांट टू इंक्लूड शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक ऑपरेटर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, बट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस और लाइफ स्टॉक। सो एनिमल्स प्लांट मशीनरी नहीं होते, टी बुशेस प्लान मशीनरी नहीं होते। अब ये कह रहे हैं बिल्डिंग प्लान मशीनरी नहीं होते, वो तो भी मालूम है। फर्नीचर फिटिंग प्लान मशीनरी नहीं होते, तो भी मालूम है। ये देखिए क्यों अमेंडमेंट आई, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन रेट 10% होता है, फर्नीचर पर
10% होता है, प्लान मशीनरी पर 15% होता है। कुछ कोर्ट जजमेंट्स आ गई कि जैसे सिनेमा की बिल्डिंग है वो इस तरह से बनाई जाती है कि उसमें इको आए, साउंड की इको आए, साउंड इफेक्ट आए, ऑल दोस थिंग्स, तो कोर्ट्स ने कहा सिनेमा बिल्डिंग स्पेशली डिजाइंड है तो उसे हम प्लान मानेंगे। ऐसे ही कोर्ट्स ने कहा जो सिनेमा हॉल में फर्नीचर होता है आगे पीछे मूव करता है, आज जैसे उसमें जाएं डायरेक्टर्स कट या गोल्ड पीवीआर में तो सीट्स रिक्लाइनिंग होती हैं, तो लोगों ने यह व्यू लिया कि ये फर्नीचर नहीं प्लान मशीनरी है। इन्होंने अमेंडमेंट की कि भैया फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, प्लान मशीनरी नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग ही रहेगी, प्लान मशीनरी नहीं मानी जाएगी चाहे आपने स्पेशली डिजाइन किया। ये अमेंडमेंट का लॉजिक। सो बट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, फिटिंग्स, देयरफॉर स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग्स सच एज हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल, थिएटर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज प्लान मशीनरी बट शैल बी ट्रीटेड एज बिल्डिंग्स ओनली। सिमिलरली फर्नीचर एंड फिटिंग्स स्पेशली डिजाइन फॉर अ होटल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्लान मशीनरी बट विल बी ट्रीटेड एज फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओनली। सो मेरे को से आज के लिए इतना ही काफी करते हैं क्योंकि कोई कंसेप्ट और मिक्सिंग ना हो जाए आपकी। सो आज थोड़ा 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देते हैं एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए किया है उसे प्लीज करके आइएगा। विल स्टॉप हियर।